मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है छोटा, तेरी मर्जी मेरा क्या। मित्रों नमस्कार, सुभाष देवरिया। एक्चुअली मुझे आना ही पड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं सोच रहा था कि कल मैं आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने चाह रहा था। मैंने इस बार ये सोचा था कि मैं अभी करने के बाद ही लोगों से बातचीत करूँगा, और मैंने वही किया। शायद वर्ल्ड की ये पहला एक्सचेंज बनेगा और जो इंटरनेशनली मोबाइल रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ये पहला एक्सचेंज होगा जो ट्रेवल इंडस्ट्रीज को कॉइन के माध्यम से जोड़ रहा है। ये पहला एक्सचेंज होगा जिनके लाखों पार्टनर होंगे, जैसे मैंने कहा था, और आज फिर मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि अभी 8-10 दिन के बाद मेरा जो B2B का नेटवर्क है, मोबाइल रिचार्ज का, रेलवे टिकट, एयर टिकट का, वो सारे का सारा ये कॉइन से रिचार्ज करना शुरू कर देगा। और जब डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग हैं जो मेरे बिजनेस प्लान को समझने में देर लगा देते हैं। हाँ, ये फैक्ट बात है, देर हुई है मेरे से, लेकिन जितनी परेशानियाँ मुझे आई हैं और कोर्ट की, कचहरी की, आपको ताज्जुब होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मिस्टर B.N. श्रीकृष्णा, उनकी ओपिनियन आप लोगों को शेयर करूंगा बहुत जल्दी, मीडिया को शेयर करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि सुभाष जेवरिया और जेवरिया सर्विस क्लब जो भी बिजनेस कर रही है वो इंडिया के नियम के हिसाब से ठीक है, अगर कानून नहीं है तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसी ओपिनियन दिया कि मैं सारे जितने भी इंडियन लोग हैं उनको उनमें से सब में मैं सक्सेसफुली क्लीन चिट मुझे मिली है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लीगल होने जा रहे हैं। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम ना करें इस सिस्टम को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज जो है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग सही तरीके से रन करेगी, लोग सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा है कि मेरे सिस्टम में आज तक किसी को नुकसान नहीं है। बहुत लोग होते हैं, जब मैं डाटा उनका देखता हूँ, एक एक आईडी उनकी होती है, 5,000 रुपये कॉइन लिए होते हैं, अब झूठ बोलते हैं कि मैंने 1,00,000 रुपये के कॉइन लिए हुए हैं या मेरे पास उतने कॉइन हैं। तो होता क्या है ये सब चीज़ें, अरे ईमान, कुदरत से थोड़ा सा डरो। मैं आज समाज के लिए जो काम कर रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए जो काम कर रहा हूँ, नेटवर्क के लिए जो काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में आप देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई उल्टा सीधा बोले, जो मर्जी बोले, मेरा ध्येय एक ही है कि मैं सही हूँ तो मेरा सिस्टम सही चलेगा। और मैं अपने सिस्टम से या मेरे जो विजन से है या मेरी अंतरात्मा जो है वो इस समाज को, इस सिस्टम को बड़ा करना चाहती हैं। आज लाखों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैंने सिस्टम चालू कर दिया है और काफ़ी अच्छी, बहुत जल्दी मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। कल शाम को और अपडेट दूंगा, बहुत नई चीज़ें होने जा रही हैं। अभी किसी को विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टाइम पे आपका जो भी आपका डेट है, आपके ओहो कैश के अकाउंट में कॉइन्स आपके जमा हो जाएंगे। आप उनको सेल करें, उनसे शॉपिंग करें, उनसे परचेज करें, उसको जो मर्जी करें कॉइन से, हमारा क्लोज ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप कॉइन को सेल कर सकते हैं, आप उसको बाई कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ है। और परसों सुबह से हम लोग बैंक अकाउंट में पेमेंट्स लेना शुरू कर रहे हैं, जिससे आप कॉइन परचेज कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में ही आपको पेमेंट देंगे, जिसमें अपने कॉइन सेल कर सकते हैं। तो सेल और परचेज बैंक के द्वारा होने शुरू हो जाएगी, परसों से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं तभी अपने कमेंट्स दिया करूंगा जब मैं कुछ किया करूंगा, उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स नहीं दिया करूंगा। लेकिन आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि पिछले 15 दिन मैंने दिल्ली में बहुत मेहनत किया, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून बनना शुरू हुआ, एक्सचेंज स्मूथ किया। आज हमने जो भी विड्रॉल थे सब क्लियर किए BTC के। कल से INR पेमेंट्स चालू हो रहा है,
मोबाइल रिचार्ज ऑलरेडी चालू हो चुका है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सबको मिल चुके हैं, अभी शॉपिंग चालू होगी ओहो कैश से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं जो अभी आपको 10-12 दिन में देने वाला हूँ, एक्सचेंज का एक मॉडल देने वाला हूँ जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और डे बाय डे देखेंगे, कल शाम को मैं फेसबुक लाइव आऊँगा ओहो टीवी के ऊपर, मैं ओहो टीवी के ऊपर अपने कमेंट्स दूँगा, अपनी बातें रखूँगा, और आपको आभास होगा कि जो मैं चीज़ अभी कर रहा हूँ वो बहुत प्यारी चीज़ है। कुछ लोग हैं जो मेरी टांग खींचते हैं, मैं उस टांग से परेशान नहीं हूँगा, आप खींचते रहो, मेरा काम चलता रहेगा, मैं आगे वर्क करता रहूँगा। और शायद अभी जितना भी गवर्नमेंट्स में ये आप देख रहे हैं, ये मेरी इतने साल की मेहनत है, ये उसी का फल मिल रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ इस सोसाइटी के लिए, नेटवर्क के लिए और सिस्टम के लिए। कल शाम को रात को मे भी पॉसिबल, क्योंकि दिन भर मैं काम करूँगा, अभी भी काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हम बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपको देने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जिनको विश्वास है वो साथ जुड़े रहें, जिनको कॉइन सेल करने हैं, सेल होना शुरू हो गया एक्सचेंज के ऊपर, वो सेल करें, जो बाई करना चाहते हैं वो बाई करें। सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है और डे बाय डे इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जैकर, गुड इवनिंग, क्या हाल है? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास में, आप सुनाएं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी रिलेटेड टू ओहो कैश सर। हाँ 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 हाँ, कुछ मेरे कलीग से जो रिपल कैश में लेना चाहते हैं ओहो कैश से। अभी इसमें क्या होगा कि अभी आप जैसे ऑनलाइन वहां से परचेज कर लीजिएगा जी, परचेज करने वहां से परचेज करके आप रिपल अपने ट्रांसफर कर सकते हैं वहां पे अकाउंट में। तो मुझे मतलब अकाउंट में पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा ओहो कैश में, INR आपके बैंक अकाउंट में? हमारे INR के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है ना सर? अभी अगर मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा ना उसको रिपल में? मतलब जो नॉर्मल बाइंग, जो लॉ के हिसाब से जो नॉर्मल सेल परचेज हो सकते हो, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस वही करवाना चाह रहा था मैं। हाँ, KYC वगैरह पर कंप्लीट करेंगे, डिटेल्स होंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें वो परचेज कर सकते हैं। जो भी पहले KYC कंपलसरी होगा ना उसमें? हाँ, KYC, तो विदाउट KYC कुछ नहीं करेंगे हम। जी जी जी। और बैंक अकाउंट फंड भी बैंक अकाउंट में जाएगा तो ही हम करेंगे। और दो तीन बातें और पूछनी थी सर, पूछ सकता हूँ सही समय सर? हाँ पूछे पूछे। मैं एक्चुअली एक आर्टिकल लिख रहा था मैं कॉइन सुविधा पर, कुछ न्यूज जैसे डाल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ATC के बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहा था मैं, पहले तो उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए कि मैं लिख सकता हूँ उसके लिए? क्या आर्टिकल लिखना चाहेंगे बताएं? ATC के मतलब ये लोग भरोसा बनाए रखे ATC के ऊपर में। देखो दो चीजें, आज मैं सबके अकाउंट क्रिएट कर दे रहा हूँ, जैसे जितने भी हमारे क्रिप्टो इनबॉक्स के मेंबर हैं जी जी, उनके सबके अकाउंट यहाँ पे ओहो कैश में क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जितना भी उनका ROI है, जो कॉइन है, वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे ओहो कैश में, किसी को विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब वहाँ पे उनकी KYC करें, ट्रेडिंग करें, विड्रॉल करें, जो मर्जी करें। आज हमने सारा BTC जिसका भी है सब ट्रांसफर कर दिया अकाउंटों में। ओके सर, अभी किसी का कुछ पेंडिंग नहीं है, विड्रॉल भी सारा क्लियर कर देंगे, सारा कंप्लीट कर देंगे। अब आती बात तुम्हारे इसकी ATC की जी, जो ATC कॉइन है वो अपने आप वैसे चलता रहेगा जी। ओहो कैश को हमने बना दिया है पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अभी उसमें काफी चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें मल्टीपल कॉइन, कोई भी अपना कॉइन वहाँ पे रजिस्टर्ड करें, ट्रेडिंग करें, जो मर्जी करें, जितने भी इंडिया के कॉइन है सबको रजिस्टर कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग। ओके, सारे इंडिया के MLM हो या इधर आउट ऑफ MLM, कोई भी कॉइन हो सबको रजिस्टर करेंगे। दैट्स ग्रेट। हमें उस वास्ते मतलब कोई भी कॉइन अपने आप लेके आए, अपना KYC दे, अपना कॉइन रजिस्टर करें, दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स गुड। अच्छा सर, एक बात और, ये रिकंसिलिएशन वालों का सबका क्लियर हो गया सर? सब क्लियर हो गया रिकंसिलिएशन का, उसमें सबका जो प्लस माइनस था 90% क्लियर हो गया, 2-4% लोगों का बचा है, किसने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, वो सारा डाटा हमने डाल दिया है, कितना आपका ऑर्डर था, इतना कैंसिल किया, इसमें ये किया, वो सारा क्लियर हो गया। अच्छा सर, एक लास्ट और क्वेश्चन है सर आपसे, जैसा कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि ये अदर एक्सचेंज पे हमारा ATC लिस्ट होने के चांस कितने परसेंट के? ये करीब अभी 150 एक्सचेंज पाएगा अभी वर्ल्ड के।
ओके, कम से कम 150 एक्सचेंज पे आएगा, 5 एक्सचेंज पे तो अभी आ जाएगा अगले महीने तक। ओके दैट्स ग्रेट। और हम लोग एक्सचेंज भी बेचना शुरू कर रहे हैं अभी लोग, हम लोगों को। अच्छा, जैसे कोई एक्सचेंज अपना खुद का बनाना चाहता है तो आपसे सपोर्ट लेके, आपसे सॉफ्टवेयर लेके क्रिएट कर सकते हैं। पूरा पूरा सॉफ्टवेयर उसको देंगे, पूरी इन्वेंटरी देंगे, पूरा सिस्टम देंगे जी, लॉजिक देंगे, सब कुछ देंगे उसको। हमारा खुद का हो गया, GDS हमारा खुद का हो गया, पॉइंट खुद के हो गए, एक्सचेंज हमारे खुद के हो गए। अभी मोबाइल रिचार्ज चालू हो जाएगा रात से। अच्छा, आज रात से शुरू हो जाएगा। मोबाइल रिचार्ज करो, जो मर्जी करो, फिर सारी सुविधाएं उसमें हमने दे दी। तो बहुत अच्छा होगा सर, आपके ऊपर वैसे तो हम लोगों का पूरा भरोसा है, और पूरी तरह से आपके साथ में हम लोग जितना भी समय लगे हम आपके लिए बिल्कुल दिल खोल के बैठे सर। कर रहे हैं, अब कोई अच्छा काम करने के लिए, अब होता क्या है कि कोई भी छोटे मोटे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, मेरा कोई पति की परवाह करता नहीं। नहीं सर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, जितने हाँ, उनकी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरे एक्सपीरियंस हो गया है। बिल्कुल सही है, जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं वो भी ठीक है, उनका फर्ज है, वो बोले अपना। नहीं, उनका फर्ज नहीं है, एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना, आपको बुरा बोलकर, ATC के बारे में गलत बोलकर काफी पब्लिसिटी बटोर ली है उन लोगों ने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर। वो हीरो बन गए ना उससे एक्चुअली में। हाँ हाँ, बस वही है, बस और कुछ नहीं है अभी। मैं इसलिए तो मैं अभी किसी को इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मेरा खुद का लाइव टीवी में लॉन्च कर दिया, उसी में जो करूंगा, जिसको करना है वो करें। और बिल्कुल, बहुत अच्छा किया सर आपने, वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छा हो गया हम लोगों के लिए। अभी कल मैं पूरा डिटेल दूंगा सबको, और पूरा ट्रेडिंग कैसे करना है जी। अभी बैंक अकाउंट बंद है, पूरा पैसा ब्लॉक है, उसके बावजूद भी कंपनी को रन करना हासिल खेल नहीं है। बिल्कुल, मैंने देखा है सर, ये पोजीशन में कंपनी तालाबंदी होके भाग जाती है, मेरा एक्सपीरियंस है इस बारे में। अच्छा, इसलिए मैं लोगों को समझाता रहता हूँ, बट कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। कहते तो ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है मेरे यहाँ पर। ठीक है ना सर, चलिए चलो, ओके, बहुत थैंक यू सर। मित्रों नमस्कार, थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा उन सब लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करके जिन्होंने 7th लेवल अचीव किया है। हमारी टीम पूरे इंडिया में रोड शो करने शुरू करने जा रही है नेक्स्ट वीक से, जिसकी शुरुआत हम लोग गुजरात से करेंगे, और हम अपने विजन को, हम अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एक्सचेंज के बारे में, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से उसमें से अर्निंग की जाती है, किस तरीके से हमें यूजर्स को ऐड करना है, किस तरीके से हमें कस्टमर्स बनाने हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, वो हम सब सिखाएंगे। और शायद मेरा जो विज़न है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं पूरा करूँगा। वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम होगा क्रिप्टो करेंसी में, कि मेरा टारगेट है कम से कम भी 1-1.5 लाख एक्सचेंजेस को मैं सपोर्ट करूंगा। हर आदमी एक हम लोग एक वाइट लेबल प्रोग्राम रन करेंगे एक्सचेंजेस का, जिसमें आप अपने कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, अपना मार्कअप लगा सकते हैं, अपना एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ उसके अंदर आएंगी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।